तुछ। तुछ। बाबर आई जवान सालो टच टच करो इधर टच टच बस और तुम्हारे से कुछ नहीं होता वो में रन खराब नहीं आती तुम लोगों को खराब नहीं आती सालो मर जाओ उधर गंदे नाले में गिर के साले फेसबुक पे ट्विटर पे देखो तो इनसे बड़ा कोई हीरो ही नहीं है खेलने होता नहीं संभोवे से हर के सारे कुत्ते सब सारे मर जाओ इधर आओ तुमसे अच्छा तो गली क्रिकेट है छोड़ो आप दो सबको पॉइंटर वापस आओ सारे कुत्ते पे इतने गंदे तरीन लोग बैठे हैं पाकिस्तान के गंदे तरीन मैं क्या नाम लू किस किस का नाम लू मैं दिल टूट के ही रह गया आज मैं इंडिया बैठा हुआ हूं अब इन लोग हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान टीम जिससे हमें डर लगता था अब हम हंसने के भी काबल नहीं रहे हैं कि यार इतना तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था और पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है ऑब्वियसली मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर रहे हैं बड़े क्रिकेटर रहे हैं, आप माने ना माने बहुत बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर रहे हैं। जो बॉलिंग करते थे ना मतलब यार बहुत अच्छे बॉलर थे और साथ ही साथ जो राशिद लतीफ़ इनको तो मैंने खेलते हुए देखा नहीं है बट ये जिस तरीके के क्रिकेटर रहे हैं आप इनके वो स्टेट्स देख सकते हैं जाकर पढ़ सकते हैं और अब इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान का अभी तो बहुत सारे वीडियो आने हैं यार ये तो क्रिकेटर्स के रिएक्शन है पाकिस्तानी एंकर्स के रिएक्शन आने हैं पाकिस्तान मतलब यार ये मैच तो पता नहीं यार जिम बॉम्बे से हार गई पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ आपने देखा था कैसा खेली थी बिल्कुल बहुत अच्छा खेली थी वो तो अब वो हार गए वो उनका बैड लक बट वो जीता जिताया मैच वो हारे थे पाकिस्तान के दो विकेट जाते हैं उनके मेन प्लेयर बाबर आजम रिजवान उसके बाद भी पाकिस्तान 160 रन बनाती है जिसमें इंडियन बॉलर्स की गलती थी लास्ट में इंडियन बॉलर्स ने कुछ गलतियां की शाहिन अफरीदी रन बना के चला गया हारिस राउ ने छक्के मार दिए और ऑब्वियसली भारत की बॉलिंग अच्छी नहीं थी और पाकिस्तान की टीम अच्छी है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन ये बैड लक होता है जैसे लास्ट ईयर इंडिया के साथ हुआ था 2021 में जब दुबई में मैच हुआ था भारत पाकिस्तान से हारा उसके बाद भारत न्यूजीलैंड से हारा तो उसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया टीम खराब थी इसका मतलब आज पाकिस्तान जिम बाम्बे से हार गई इसका मतलब ये नहीं है कि ये टीम ख़राब है ऑब्वियसली बैड लक है टूर्नामेंट आगे अभी पाकिस्तान के लिए तो खत्म है मैथामेटिकली चांसेस हैं अगर ये हारे तो वो हारे तो वो हारे तो ये हारे वारिस हो जाए ये फलाना ठिकाना तो हम पहुँच जाएँ ऐसा होने वाला है नहीं आपको भी पता है लास्ट ईयर हम भी दो मैच हार गए थे उसके बाद हमने सोचा कि अफगानिस्तान इसको हरा दे हम दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीत जाए तो हम पहुंच जाए ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं होने वाला वहां पे साउथ अफ्रीका बहुत ख़तरनाक खेल रही है इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच बहुत तगड़ा होने वाला है बहुत तगड़ा होने वाला है माने ना माने बहुत तगड़ा मैच होने वाला है वो और पाकिस्तान के पास अब चांस ये है कि अपने बचे हुए मैच जीतो और अपने आवाम को कुछ खुश करो नहीं तो अभी आगे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी बहुत टक्कर दे सकती हैं पाकिस्तान को कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से और हार गया जिम के बाद नीदरलैंड से तो मुझे नहीं लगता हार गया नीदरलैंड से अब इतना भी नहीं बोलना चाहिए बांग्लादेश क्योंकि अच्छी टीम है अच्छी टीम है पाकिस्तान को हरा सकती है साउथ अफ्रीका तो डेफिनेटली अच्छी टीम है तो आगे चुनौतियाँ बहुत हैं और भारत का मैच मैंने बिल्कुल नहीं देखा मैंने पाकिस्तान का मैच ही देखा वो भी लास्ट लास्ट में जब इनके विकेट गिर गए तो मुझे लगा रहा यार ये क्या हो रहा है शाहन अफरीदी का पहला ओवर मैंने देखा चौदह रन खा के मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि आज कुछ होने वाला है पाकिस्तान के साथ चौदह रन फिर उसके बाद शाहिन अफरीदी के बाद जो अगला बॉलर आता है वो भी पिटता है फिर तीसरा आता है वो भी पिटता है तीन ओवर में तैंतीस चौंतीस रन थे ऐसा कुछ सीन हो रहा था फिर जिम्बाम्बे के विकेट गिरे और फिर जिम्बाम्बे जैसे तैसे ठीक ठाक फाइटिंग टोटल खड़ा कर पाई और पाकिस्तान यार पावर प्ले में उन्होंने क्या किया यार मैंने वो मैच नहीं देखा मैंने बाद में देखा पावर प्ले में तो उन्होंने पूरा बिल्कुल काम ही कर लिया अपना और लास्ट में बचा कुचा जो नवाज़ बेचारे ने मैच बनाने की कोशिश करी वो आज पिछले मैच के दाग धोता हीरो बनने का चांस था तो वो भी बेचारा लास्ट में तीन बॉल पे तीन चीज़ था, सिंगल डबल खेलता तो हिट मारने चला गया आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द बहुत सारे नए वीडियोज़